कराची में बारिश के चौथे स्पेल ने जलथल एक कर दिया। शहर की अहम शहराहें पानी में डूब गई। सड़कों पर गाड़ियों का रश, ट्रैफिक जाम। नालों से मुतसिल इलाकों में पानी दाखिल हो गया। के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर ट्रिप। करंट लगने से दो शख्स जां भाग हो गए। के इलेक्ट्रिक की नाकिस सिस्टम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची के बेशतर इलाकों में पानी ही पानी हो गया। बारिश के बायस हस्बे मामूल शहर की अहम शाहराएं पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सड़कों पर गाड़ियों का रश लग गया। कुछ गाड़ियां पानी में बंद हो गईं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गई, बिजली गायब हो गई और नालों से मुतसर इलाकों में पानी दाखिल हो गया। अजीजाबाद नंबर 2 में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बाद मसरूफ IIT चुंदरीगढ़ रोड पर गढ़ा पड़ गया, जबकि सिटी कोर्ट मालखाने की छत टपकने लगी और अदालती राहदारियों में भी पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 400 से जायद फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई इलाकों में कल से अब तक बिजली की फराहमी बहाल ही नहीं हो सकी। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, नजीमपुरा में 24 घंटे से बिजली मुअत्तल है। इन इलाकों के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज भी किया। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। नशेबी और कुंडे वाले इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। बारिश और तेज हवाओं के बायस चंद मकामात पर बिजली का तातुल है। सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासर इलाकों की बिजली बहाल की जा रही है।